दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में कार्यरत संविदा कर्मियों को हाल ही में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत लाने जाने के संबंध में ये लेख है जो कि मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करूंगा। आपको बता दूं, राजस्थान मेडिकल डिपार्टमेंट्स में जितने भी पदों को यहाँ पे संविदा कर्मी में रखा गया था तो उनको यहाँ पे इस लॉ के अधीन अब यहाँ पे रखा जाएगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, काफ़ी उनके पद नाम भी यहाँ पे परिवर्तन हुए थे, उनके मानदेय भी जो चेंजेस किए गए थे वो भी हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हाल ही में ये राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर के द्वारा पब्लिश किया गया है जो कि आज की डेट में आप देख ही पा रहे हैं। पहले नाम की बात करें जिसमें स्टेट प्रोग्रामर मैनेजर है, एक पद यहाँ पे था और हाल ही में इसका पद बदल के इसका नाम जो है स्टेट प्रोग्रामर ऑफिसर रख दिया गया है। टोटल 33,650 सैलरी इस वैकेंसीज में इनको दे है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज देख पा रहे हैं, साथ ही उसके नए पोस्ट जो पदनाम यहाँ पे चेंजेस किया गया है और साथ ही उसकी सैलरीज यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान मेडिकल सर्विस के अंदर जितने भी संविदा कर्मी थे उनको यहाँ पे इस लॉ के अधीन कर लिया गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑथेंटिक ये प्रेस नोट मैंने आपके सामने डिस्कस किया है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसकी PDF फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।